हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर कश्मीरी पनीर बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी और बिना मसाले का बहुत ही यमी सब्जी बनता है। और आप चाहें तो फटाफट, कुछ भी नहीं हो तो बस टमाटर और पनीर की सब्जी बहुत ही अच्छी कश्मीरी बन सकती है। तो सबसे पहले हम कश्मीरी सब्जी में पनीर को हम बहुत बड़े बड़े स्क्वायर में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं। मैं बड़े बड़े स्क्वायर में काट कट कर ली हूँ। और दो प्याज ली हूँ फ्रेंड्स मैं, और दो हरी मिर्च ली हूँ, और हम लाल मिर्च और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट हम डालेंगे इसमें। तो ये मैं 250 ग्राम पनीर ली हूँ। तो 250 ग्राम पनीर के लिए हम चार टमाटर लेंगे बड़े बड़े। इसकी मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो सबसे पहले हम ये पानी मैं गरम की हूँ, और ये पानी गरम करके हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा गरम करेंगे, और गरम करने के बाद ये जब थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए तो हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तेल को रखती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब एक एक पनीर हम डाल के थोड़ा इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं पनीर को तल ली। अब इसे जो हम गर्म पानी हल्दी वाला किए हैं उसमें हम डाल देंगे। इससे हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, मैं हम एक चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटकने लगा। अब इसमें हम ये जो बारीक हम प्याज कट किए हैं वो प्याज मैं डाल दूंगी। फ्रेंड्स, गरम पानी में हल्दी डाल के करने से हमारा जो पनीर है वो कितना सॉफ्ट हो है और एकदम मुलायम हो गया है, ये देखिए। अब हम इसे पानी से निकाल देंगे। देखिए, हमारा प्याज हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, थोड़ा सा। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और इसे अब हम धीमी आंच पे भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी और बहुत फटाफट हमारी ये सब्जी बनती है। हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे, और अभी टमाटर प्यूरी जो हम बनाए हैं वो मैं डाल दूंगी, और इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर पक नहीं जाता है। इसे धीमी आंच पे हम धीरे धीरे इस टमाटर को पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर पकता नहीं। देखिए फ्रेंड, देखने से लग रहा है कितना मसाला हम इसमें डाले हैं। ये देखिए, तेल और टमाटर हमारा बिल्कुल अलग हो गया है, और ये बिल्कुल टमाटर पे बनने वाला पनीर का एकदम अलग टेस्ट का सब्जी है। तो हम इसमें, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हम गरम मसाला इसमें डालेंगे, थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें ये जो हमारी पनीर की स्लाइसेस है इसे हम डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। फ्रेंड्स, मैं पनीर के पीसेस को डाल दी हूँ, और अब बिल्कुल हम इसे ज़्यादा चलाएंगे नहीं, नहीं तो हमारा जो पनीर है बड़ा बड़ा वो टूट जाएगा, फिर ये सब्जी की खासियत ही चली जाएगी। तो अब हम इसमें इसे, ये देखिए हमारा टमाटर कश्मीरी पनीर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यमी पनीर का सब्जी बिल्कुल रेडी है, और कितना प्यारा कलर आया है बिना मसाला का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।